गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है 14th अप्रैल। 14th अप्रैल मतलब संक्रांति है। आज संक्रांति है पर चारों तरफ इसे ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते होंगे या पता नहीं, पर हमारे उड़ीसा के तरफ ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि जो मैंगो स्टार्ट होता है ना, मैंगोज जो स्टार्ट होते हैं, हम इसी दिन भगवान को चढ़ाते हैं, घर पे पूजा करते हैं और मंदिर में जाके देते हैं। इसके बाद हम मैंगोज खाना शुरू करते हैं। मतलब जैसे कि ये उड़ीसा का, उड़िया लोगों का नया साल है, ऐसे जैसे तेलुगु लोगों, आंध्रा साउथ साइड के लोगों के लिए क्या बोलते हैं, उगादी बोलते हैं, और नॉर्थ के साइड के तरफ दशहरा दिवाली जैसे होते हैं, वैसा ही हमारे तरफ ये वैसा फंक्शन है। तो सुबह से बहुत हड़बड़ी से काम बन रहा था, तो चलिए मैं क्या क्या कर रही हूँ सुबह से देखते हैं। मैं अभी कपड़े सुखा रही हूँ। सुबह देखेंगे मेरे घर की हालत कैसी है। चलिए बाद में कपड़े सुखाती हूँ। कपड़े नीचे सुखा के आई हूँ, पर और भी छोटे छोटे कपड़े हैं, जहाँ की जो कपड़े की बाहर सुखाने से धूप में ख़राब हो जाते हैं, और नीचे हमारी मिट्टी है, अगर नीचे गिरेगा तो मिट्टी लग जाएगा। चलो मैं दिखाती हूँ घर आज कैसे मेरा बिखरा पड़ा है पूरी तरह से। हाँ, सुबह उठकर मैं मंदिर पूजा के लिए सारे सामान इकट्ठा करके मंदिर जाके आई हूँ, तो चलो देखते हैं। मैंने नाश्ता बनाया है, उपमा एंड दिख रहा है मिक्स करी मतलब बैंगन, आलू, टमाटर, चना दाल, जो भी होता है वो सब मिला के करी कर देना है। आपको पीछे से हम मंदिर जाके आए और वो चले गए शॉप में। मैं घर सब कुछ समेटने में लगी हूँ, और मैंने नाश्ता टिफिन बना दिया है, और आज का एक और स्पेशल आइटम दिखाती हूँ। ये है आम पन्ना। आम पन्ने में जाता है कच्चा मैंगो, बनाना, चीकू और मैंगो को, मतलब कच्चा वाला मैंगो पीस करके डाला है, और ये राइप मैंगो को ऐसे जूस निचोड़ कर डाला है, और ये जो गुड़ होता है ना उसका कुछ इसे पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे इसे नौबा तो बोलते हैं। ये बहुत ही आज इसका भी बहुत ये आज इसे हम पूजा करते हैं मंदिर में, भोग चढ़ाते हैं और मंदिर में मैंगो सब कुछ दे के आते हैं। वहाँ पे जो भी पुरोहित होते हैं ना मंदिर में देते हैं, उन्हें देते हैं। इसमें जाता है ब्लैक पेपर। फिर आने के बाद वो आम पन्ना जो भोग लगा होता है उसे पीने के बाद नाश्ता करते हैं। तो वो प्रोसीजर उनका ख़त्म हो गया है, मेरे हस्बैंड का। तो ये सब देख लेना बिखरा पड़ा है। ये देखिए मैंने भोग लगाया था, तो ये सब मेरे, तो बहुत धूप होता है ना, इसीलिए मैंने मेरे हस्बैंड को छांच बना के दिया था, इसीलिए सब कुछ बिखरा पड़ा है। और क्या बोलूं, आज मैं, आप लोग सोच रहे होंगे आज सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। नहीं, मैं बहुत दिनों से बहुत गैप हो गया था आप सबके और मेरे बीच में, इसीलिए वो दूरी मिटाने की कोशिश करना चाहती हूँ। तो आप सब लोगों में से कौन कौन ये पणा संक्रांति बोलते हैं, हमारे यहाँ पे कैलेंडर में आता है, तो कौन कौन सेलिब्रेट करता है कमेंट करके बताइए। और हाँ, ये मेरा नया ड्रेस कैसा है, कुछ मैं आपको ये मेरे न्यू कलेक्शंस में दिखाऊंगी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, कॉटन का है पूरा, बहुत ही कंफर्ट है पहनने में, बहुत ही कंफर्ट है। देखिए
मैंने इसे प्लाजो के साथ पहना है। इसे ये फ्रंट कैमरा से दिखा ही नहीं दे रहा, मैं बाद में कभी दिखाऊं। मेरे सारे कपड़े भी फोल्ड नहीं किए हैं, कल धोए थे। और मेरे मम्मी भाई भी आने वाले हैं 2-3 दिनों में, उनको भी आपसे मिलाऊंगी। और एक छोटा सा फैमिली फंक्शन है बहुत कुछ। अभी आने वाले 10-12 दिन फुली एंटरटेनिंग होने वाले हैं। मैं एंटरटेन होंगी, आपको भी एंटरटेन करूंगी, ठीक है। और मेरा वो समर हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा, देखा कि नहीं आप लोगों ने? तो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं लंच में क्या बनता है। कुछ अभी प्लानिंग किया नहीं है, देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि घर पे कोई वेजिटेबल्स वगैरह भी नहीं है। मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। मैं थोड़ी देर बाद में आपको मिलती हूँ, थोड़ा सा मतलब घर को थोड़ा समेटूंगी, थोड़ी सी नींद लूंगी, फिर उसके बाद लंच बनाने के लिए उठूंगी, तो तभी आपको फिर से मिलते हैं। अभी के लिए बाय। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। नींदे लग रही हूँ ना, अभी तो सो के उठी हूँ। क्या गर्मी लग रही है ना, मतलब एसी रूम से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा, पर क्या करे। आज सुबह का काम खत्म करके बस मैं इसी रूम में चली गई, अपने बेडरूम में चली गई, थोड़ा एडिटिंग वगैरह करके वहीं पे ही बस सो गई थी। बच्चे को पढ़ाना था, पढ़ाई खत्म करके। तो आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ, देखिए क्या। मैंने राज को वॉश करके रखा है, बोला था ना मीठी खिचड़ी और आलू दम बनाऊंगी इसीलिए। और सारे ग्रोसरी के सामान आ गए हैं, चीनी घी कुछ आलू वगैरह जो कुछ है, तो कुछ सामान है उसे वो सब निकाला नहीं मैंने। अब इंस्टेंट के लिए क्या चाहिए वो सब निकाला है, वो सब की तैयारी करके बाद में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो अभी तो आपको वक्त पता चल ही रहा होगा, रात हो चुकी है, अभी बज रहे हो 9 शायद। तो हमने शाम को तो आपको पता ही है देखा था, खिचड़ी और दम आलू खाया था। तो रात के डिनर के लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है, करी है, सब्जी है, बस रोटी ही बनाना बाकी है। तो मैं आप शाम का थोड़ा ब्लॉग ऐड नहीं कर पाई, तो अभी मैं जा रही हूँ शॉप में। वहाँ से हम जाएंगे, ये देखिए मैंने पार्सल निकाला है, मेरे ससुराल वहाँ पे ये कैरेज पार्सल कर देंगे। वहाँ पे भी मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और वहाँ से जाएंगे हम एक नई जगह, आपको वो दिखाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर ये व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके एक आज और एक अगले दिन उसके अगले दिन डालूंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए, मेरी शॉप से मेरी घर की मतलब दूरी बस 100 मीटर्स ही है। गाय माता भी आ गई हमारी वीडियो पे, सिर्फ 100 मीटर के बीच में ही आएगा वो। मैं कभी आपको किसी और दिन दिखाऊंगी, अंधेरा है बहुत। तो मैं यहाँ पे शॉप बंद करके हम निकलेंगे, अब मिलेंगे डायरेक्ट, शायद डायरेक्ट मंदिर में। ओके okay?